हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो मेरी मेहंदी क्लास में मैंने आपके साथ फ्लावर्स कैसे बनाते हैं वो सब शेयर किया था। देन अभी सेकंड क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं शेडिंग कैसे दी जाती है फ्लावर्स में, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो वीडियो है पूरा हमारा शेडिंग के ऊपर बेस्ड होने वाला है, और इसमें आप इस तरीके से शेड फ्लावर्स में कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेंसिल का यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो स्टार्टिंग में पेंसिल यूज़ करके बाद में कोन का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप कोन का यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोन को हल्के से प्रेस करना है शेडिंग के लिए, और जिससे कि जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। और इसी तरीके से हम जो बाकी अदर फ्लावर्स हैं उनमें भी शेडिंग कर लेंगे। आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए पहले पेंसिल से ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन उसके बाद आप कोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेहंदी तो आपको कोन से ही लगाना है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली कोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हल्के हाथों को प्रेस करते हुए शेडिंग देना है फ्लावर्स में। और मेरी फर्स्ट क्लास में जो मैंने फ्लावर्स आपको बनाना बताया था, उम्मीद है आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा, और जिस टाइप से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं उसमें आपने वो बनाना भी सीखा होगा। और उसके बाद हम फ्लावर्स में शेडिंग कैसे करनी है वो सीख रहे हैं। इस तरीके से हमारी शेडिंग पूरी कंप्लीट होती है। और ये वाले जो फ्लावर्स हैं इसमें भी हम शेड करेंगे, या फिर आप पतली पतली लाइनिंग भी इसमें बना सकते हैं। आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली ये मेहंदी सीख जाएंगे, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये बेसिक चीज़ें सीखना। तो जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको वो इजीली आ जाएगा। इस तरीके से हम इसमें भी शेड दे देंगे, और शेडिंग देने के बाद हमको इनकी आउटलाइंस बनानी है। आउटलाइंस अगर हम बनाते हैं बाद में तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो फिनिशिंग टच देता है एक फ्लावर को हमारे। और इसके बाद अगर आप अदर डेकोरेशन उसमें कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारी जो शेडिंग है वो कंप्लीट हो गई है फ्लावर्स की। और नेक्स्ट अब हम उसकी आउटलाइन भी करेंगे उसके बाद। ये इस तरीके से अगर आप ये कोन से करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, वो एक अलग ही फिनिशिंग टच देता है हमारे फ्लावर को। अगर आप इसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा मोटा सा कर देंगे तो वो अलग ही मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इस तरीके से हम सारे जो फ्लावर्स हैं उनकी आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफ़ी इजीली आप
मेहंदी ड्रॉ करना सीख जाएंगे, कोई बहुत टफ़ नहीं है। सो इस तरीके से हम सारे फ्लावर्स में जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करेंगे, और जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करने के बाद फ्लावर में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। आप खुद ये करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी ये ईज़िली आपको पता चलेगा ये चीज़। इस तरीके से हमारी शेडिंग कंप्लीट कर हो जाती है, और मैं बाकी सारे फ्लावर्स में भी ये कर लूँगी। और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपके हाथ से मिस ना हो। तो उस तरीके से मैंने फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दैन आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।